Okay, assalamu alaikum class. So aaj we're going to start with our lecture number 13, which is again in continuation to the previous lecture, which is about data collection. One of the techniques jo hum logon ne data collection ki discuss ki thi previously, wo humne questionnaire ki baat ki thi, questionnaire ke through dete hain, aur us pe zyada focus tha, aur kuch aur techniques bhi baat ki thi, lekin aaj particularly hamara focus hoga ki hum data jo collect karte hain वो हम थ्रू क्वेश्चनर्स भी करते हैं. तो आज की हमारी डिस्कशन बेसिकली क्वेश्चनर्स को एज अ मीन्स, एज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग योर प्राइमरी डेटा है होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस कर चुके हैं वो अगर देखें तो हमने बेसिकली बात की थी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से हम डेटा मिलता है, और जो सेकेंडरी सोर्सेज थे उसमें हम लोगों ने बात की थी कि आपके पास मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट पब्लिश रिपोर्ट्स हो सकती हैं, किसी इंडस्ट्री का एनालिसिस हुआ वो हो सकता है, उसमें आपके पास कुछ डेटा हो सकता है जिसको आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा यूज़ करके उस पर एनालिसिस किया जा सकता है, उनको यूज़ किया जा सकता है अपने एनालिसिस के लिए, अपने रिसर्च के लिए. लेकिन जब आप बात करते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा की, तो हमने कहा था कि वो डेटा है जो आपकी पर्टिकुलरली आपकी स्पेसिफिकली एक अपनी रिसर्च के लिए जब डेटा को कलेक्ट किया जाए तो वो उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, जो कि आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसके लिए इन पर्टिकुलर जो डेटा कलेक्ट किया जाए वो हम प्राइमरी डेटा कहते हैं. प्राइमरी डेटा कलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स थे जिसको डिस्कस किया, उनमें से हमने कहा कि थ्रू ऑब्जर्वेशन हो सकता है, पैनल्स हैं, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर्स हैं, जो मुख्तलिफ तरह के मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपना प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. इंटरव्यूज़ के हम जब इन डिटेल में बात की तो हमने कहा था कि इंटरव्यूज़ जो हैं वो बेसिकली आपके पास स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं. जब हमने कहा था कि इनिशियली जब हम कोई जनरल किसी नई थीम के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, जिस पर कोई पर्टिकुलरली अभी हमें खुद रिसर्चर्स को या जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आई होती, तो उस सूरत में फिर हमारी कोशिश होती है कि हम प्राइमरी जो डेटा थ्रू इंटरव्यूज़ करें, और वो भी जनरली अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ इन जो है इंटरव्यू के टेक्निक उसको यूज़ करते हैं. ऑन द अदर हैंड हमने कहा था कि अगर हमारे पास जो थोड़ा सा क्लैरिटी जब आ जाती है तो हम अपने जो रिस्पोंडेंट होता है उसको हम उससे जब इंटरव्यू करते हैं तो हम अपने क्वेश्चंस बना के लेके जाते हैं, तो उस सूरत में हम रिस्पोंडेंट को हम स्ट्रक्चर्ड वे से एक स्टेप बाय स्टेप सर्टेन क्वेश्चंस करते चले जाते हैं और उसका फिर रिस्पांस जो है रिस्पोंडेंट से लेते रहते हैं. डिफरेंस बिटवीन जो आपकी मेन डिफरेंस जो है अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड में है कि उसमें आपके पास प्री सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते, इसमें प्री सेट्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं. हाँ, आंसर जो देने होते हैं वो आपने फ्लेक्सिबिलिटी रखी होती है कि रिस्पोंडेंट उसको जैसे चाहे उसको आंसर करे, जिस तरह मुनासिब समझे, उसमें जो डिटेल्स जहाँ देना चाहे वो दे, जैसी डिटेल्स चाहे दे. तो उसमें यह है कि आपका जो है जो आंसर्स होते हैं वो आपने फिक्स नहीं किए होते हैं, ठीक है, वो पहले से डिटरमाइन नहीं है, रिस्पोंडेंट की मर्जी है कि उसको जैसे मर्जी उस क्वेश्चन को आंसर करें. तो ये हमारे पास हमने कहा इनको जनरली हम ओपन एंडेड कहते हैं क्वेश्चंस. ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रिस्पोंडेंट जो है वो जैसे चाहे उसको रिस्पोंड करे, उसमें हमने उसके रिप्लाई को फिक्स नहीं किया होता, उसके आंसर्स को बेसिकली हमने फिक्स नहीं किया होता. फिर हमने बात की थी कि इंटरव्यू लेना जो है वो क्योंकि जब आप एक लार्ज स्केल पे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं तो उसको लेना जो है वो एक इंडिविजुअल का काम नहीं रह जाता, मे बी टीम को करना पड़ता है, इंटरव्यूज़ लेने पड़ते हैं. तो उस सूरत में इंटरव्यू जो टीम है उनके मेम्बर्स उन सबको ट्रेनिंग सिमिलर जो है मिलनी चाहिए, ताकि उनको पता हो कि कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, किस तरह क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन के क्या बेसिकली इसकी बैकग्राउंड क्या है, ताकि वो रिस्पोंडेंट से उसके अप्रोप्रिएट जो है वो रिस्पांस गैदर कर सकें और स्टैंडर्डाइज लेवल पे किस रिस्पांस को हम गैदर कर सकें. तो ये एक और हमने बात की थी कि इंटरव्यू जो कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग लाजमी है. उनकी ट्रेनिंग के हवाले से एक और चीज़ हमने बात की थी कि अगेन उनको सर्टन जब भी आपने इंटरव्यू लेना होता है तो आपके इंटरव्यू करने वाले को सर्टन अपने रिपोर्ट
उसका सर्टन को डेवलप करनी पड़ती है, सर्टन्स के साथ अपने जो रिस्पोंडेंट है उसके साथ उसको कुछ रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ती है ताकि उसका ट्रस्ट जीत सके, उसकी उसको एक कंफर्ट जोन में ले आए ताकि उसको बेस्ट उसका आउटपुट, उसे बेस्ट रिस्पॉन्स मिल सके। और इसमें हमने एक और भी जनरल बात की थी कि रिस्पोंडेंट जो है उसको हमें मेक श्योर करना है कि वो किसी हद तक आप पे मतलब उसका जो उसको पता हो कि ये आपने उसको क्यों पिक किया, क्यों चूज़ किया, उसकी इम्पोर्टेंस बताएं कि क्या वजह थी जो कि उनको चूज़ किया गया। तो ये चीज़ें हैं कुछ जिनको आपने ख्याल रखना है वाइल टेकिंग इंटरव्यू। फिर हमने बात की थी कि इंटरव्यूज़ जो है वो कभी कभार आप फेस टू फेस भी ले सकते हैं या फिर कभी फ़ोन के ऊपर भी ले सकते हैं, तो उनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर भी बात की थी। तो आज हम बात मज़ीद करेंगे जो कि बेसिकली हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो एक और मेथड है फॉर कलेक्टिंग डेटा, विच इज़ द क्वेश्चनेयर्स। और क्वेश्चनेयर्स की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा कि क्वेश्चनेयर जो है उसमें हमारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो बेसिकली इस बेस पे किया जाता है कि हमें पता होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं कौन कौन से हैं, और एग्जैक्टली पता होना चाहिए। जनरली जब हम स्टेज पे आ जाते हैं क्वेश्चनेयर के स्टेज पे, क्योंकि हमने सर्टेन इंटरव्यू से लेके अपने नॉलेज को इम्प्रूव किया हो चुका होता है, आपके जो रिसर्च के जो रिसर्चर ने या रिसर्च की जो जर्नल आपकी जो एक कम्यूनिटी है उसने इस चीज़ जनरली जो भी इशू है उसको एक्सप्लोर इनिशियली एक्सप्लोर कर लिया होता है। अब इस स्टेज पे जब आपकी जब चीज़ें उस पर क्लियर हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जो उस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड हैं, तो फिर हमारा जो है जो मेथड जो यूज़ किया जाता है वो वहाँ पे हम क्वेश्चनेयर्स को यूज़ करते हैं। और साथ साथ में हम ये भी है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो उसके अगेंस्ट कौन सा जो है अप्रोप्रिएट स्केल जो है मैयर जो है वो सूटेबल रहेगा, ये भी हमें किसी हद तक क्लियर होना चाहिए जब हम क्वेश्चनेयर्स डेवलप करेंगे, क्वेश्चनेयर्स को यूज़ करें। मतलब इसका जनरली यही है कि जब आपको पर्टिकुलरली जैसे आपके पास जो आप सेटिस्फैक्शन का इशू है उसको आपने अगर मैयर करना है तो आपके पास क्लियर उसकी सब डायमेंशन जो हैं वो क्लियर हो चुकी हों, डायमेंशन उसकी क्लियर हो चुकी हों, उनके अगेंस्ट जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो आपको पता हो जाएगा कि इधर इसमें क्या वही करना है, मुख्य वेरिएबल्स में क्या वही करना है और उसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट स्केल यूज़ करना है। तो जब आपको स्केल्स का पता चल जाए, आपको आपके वेरिएबल्स का पता चल जाए, उस पर आपने क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर लिया, तो फिर इट्स ईजी टू बेसिकली डेवलप अ क्वेश्चनेयर। ओके, अब क्वेश्चनेयर जो है नेचुरली इसकी कुछ जो है आपको अंदाज़ा होगा इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं एज कम्पेयर टू द इंटरव्यू, और ये एक स्लाइटली बेस इस पे कर रहा है कि आपका नॉलेज ऑफ डेट जो इशू है वो इस लेवल का है, और लोगों से आप जो है उनको जब क्वेश्चन करेंगे तो उनकी भी अवेयरनेस उस पर्टिकुलर इशू के बारे में है। जब अवेयरनेस होगी उसके बारे में होंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे, और डायरेक्ट क्वेश्चन के नतीजे में उनसे सर्टेन स्पेसिफिक आंसर्स को भी आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक मच सिंपलर मच कन्वीनियंट वे है फॉर कलेक्टिंग डेटा, लेकिन इसमें प्रोवाइडेड ये है कि आपकी उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर हो। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ जनरली कि आपके जैसे हम लोग जो लर्निंग का जो हमने कॉन्सेप्ट की बात की थी और उसकी डायमेंशंस की बात की थी, तो वो भी हमें क्लियर होना चाहिए कि लर्निंग को अगर मैयर करना है तो किस तरह मैयर करना है। और इसी तरह हमने बात की थी कि लर्निंग को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, सच एज एनवायरनमेंट, इंस्ट्रक्टर के लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस या उसका नॉलेज, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमें फैक्टर्स का भी पता हो जाए होना चाहिए जब हो, और फिर हमें ये भी पता हो कि एक जो कॉन्सेप्ट उसको मैयर करने के लिए कौन कौन से डायमेंशन हैं। तो जब हम इस स्टेज पे आ जाते हैं तो हम इजीली अपने क्वेश्चनर्स को जो है डेवलप कर सकते हैं, और हम उसके बेस पे अपना सर्टेन थ्योरीज को हम चेक कर सकते हैं, सर्टेन जो अपने जो थ्योरी बनाई है उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। नेवर्थलेस ये हम बात कर रहे थे क्वेश्चनर्स की, अब आगे हम चलते हैं कि क्वेश्चनर्स जो है बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, जिनमें से हमने कहा कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चनर्स होते हैं और दूसरा हमारे पास होते हैं वो मेल जो मेल क्वेश्चनर्स कहलाते हैं। एज द टर्म सेज क्लियरली कि पर्सनली एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चनर्स जो हैं बेसिकली वो आपके
जो है आपका जो रिसर्चर है या जो उसकी टीम है वो खुद जाके अपने रिस्पोंडेंट से सामने बैठ के उनको फिल करवाता है या करवाती है। ऑन दी अदर हैंड मेल क्वेश्चनर में आप उसको किसी मेल के थ्रू चाहे ईमेल या उसको बाई स्टैंडर्ड पोस्ट मेल के थ्रू उसको भिजवा दिया जाता है क्वेश्चनर को, और बेसिकली रिस्पोंडेंट से कहा जाता है कि वो उसको फिल करके आपको वापस मेल बैक कर दे। तो एज़ यू कैन सी के थोड़ा सा इस दोनों में कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चंस है, हमने कहा कि जनरली वो उनको लोकली अगर एरिया में हमने एडमिनिस्टर करना है इन द विसिनिटी, जिधर आपकी रिसर्च टीम है या रिसर्चर है, उधर उसको एडमिनिस्टर करना आसान होता है क्योंकि इसमें लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो वो आपको सूट कर जाता है। लेकिन अगर वो मुख्तलिफ डेमोग्राफिक एरियाज से डेटा आपने कलेक्ट करना हो मुख्तलिफ एरिया से, तो फिर पर्सनली एडमिनिस्टर करना स्लाइटली डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड कर दूँ अगेन, जो ऑल्दो ये आपके इंटरव्यू के मुकाबले में थोड़ा सा चीपर है क्योंकि ये रिलेटिवली जल्दी इसको कर लिया जा सकता है, जल्दी ज़्यादा आपके रिस्पोंडेंट्स को इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पर्सनली आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ऑल्दो ट्रैवलिंग इज़ रिक्वायर्ड, मे बी उनके पास पर्सनली आपको जाना पड़ता है, फिल करवाना पड़ता है, लेकिन फिर टाइम कंजम्पशन इतनी नहीं है और ये थोड़ी सी रिलेटिवली चीपर है एज़ कम्पेयर टू इंटरव्यूज। बट जो इसका दूसरा आपका मेथड है इंटरव्यू क्वेश्चन है इसका, जिसमें हमने कहा कि मेल के थ्रू करते हैं, वो नेचुरली सबसे ज़्यादा सस्ता और मोर कन्वीनियंट मेथड है, जिस पर हम थोड़ी अभी बात करेंगे। बट जनरली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है द बैक एंड, कि हमने रिस्पॉन्स मैक्सिमम रिस्पॉन्स गेन करने हैं। तो उसके उस सेंस में हम देखते हैं कि क्या चीज़ आइडियल रहेगी। समटाइम्स आपको पर्सनली एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चन कराना ऑल दो मे बी लॉजिस्टिकली डिफ़िकल्ट हो, लेकिन इस ये आपको इंश्योर अगर कर दे कि रिस्पॉन्स आपको जो हैं वो मैक्सिमाइज हो सकते हैं, तो शायद दैट वुड बी मोर सूटेड। ऑन दी अदर हैंड अगर आपको ख्याल है कि नहीं रिस्पॉन्डेंट जो है वो मुझे रिप्लाई कर देंगे ऑन अ मेल, तो फिर नेचुरली मेल वुड बी योर मोर सूटेड मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। हमने अगेन बात तो कर ली मेल क्वेश्चनर्स की, हमने बात की कि ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और इसमें जनरली आपकी जो रिस्पॉन्डेंट है वो उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो आराम से अपने टाइम से उसको फिल करे और उसको आपको रिप्लाई करके भेज दे, यानी उसके अपनी कन्वीनियंस ज़्यादा आती है। जबकि जब हम जब पर्सनली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं तो नेचुरली जब हम जाते हैं तो रिस्पॉन्डेंट जो है उसको टाइम ख़ास निकालना पड़ता है और शायद वो कभी कभार उसकी कन्वीनियंस जो है इसमें नहीं होती कि वो अपन आपके लिए स्पेशली टाइम अलहदा निकाल के आपको फिल करके दे। तो जब आप उसको क्वेश्चनर मेल कर देते हैं तो रिस्पॉन्डेंट जब चाहे घर में बैठा है, ऑफिस पे जब फारिग है, या जहाँ अगर ट्रैवल कर रहा है तो रास्ते में वो बैठा हुआ है ट्रेन में या जहाज़ में, तो उसको फिल कर सकता है। तो उसके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी है और इसमें थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है। बट इसका इशू जो सबसे बड़ा वो ये है कि इसका रिस्पांस रेट जो है वो बहुत कम होता है। आम तौर पे लोग जो हैं वो अगर जब उनको आप भेजते हैं तो वो आम तौर पे इसको बड़ी एक अनइम्पॉर्टेंट सी एक्टिविटी समझ के उसको साइड पे रख देते हैं। तो इसमें एक इशू बहुत बड़ा यही आता है कि रिस्पॉन्डेंट जो है वो उसको उसकी उसको उसको शायद अपने तौर पे इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझना, लेकिन जबकि रिसर्चर के लिए एक लाइफ लाइन है। अगर इसके पास डेटा नहीं होगा तो वट जो मर्ज़ी उसने अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया है, जो भी इसने लिटरेचर जो मर्ज़ी पढ़ा है, जो भी इसने डिज़ाइन अपनी रिसर्च का किया है, आगे उसके ऊपर एनालिसिस नहीं कर सकता तो उसके लिए तो ये एंड ऑफ द स्टोरी हो जाती है। तो इस सेंस में ये बड़ा एक ट्रिकी सा सिचुएशन रह जाती है। डेटा कलेक्शन स्पेशली हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में और भी मुश्किल है। लोग एज अ सेट के इनको जनरली हम लोग रिसर्च को और रिसर्च के रिलेटेड जो भी है एक्टिविटीज़ उनको हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि वेस्ट में टू एन एक्सटेंट
इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि रिसर्च के थ्रू बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे नए आइडियाज़ जो है वो सामने आते हैं। हमारा कल्चर में भी ये चीज़ इतनी रिकग्नाइज नहीं हुई, इसलिए तो जब आप एज अ रिसर्चर मे बी आप अपने तौर पर एक चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं, लेकिन जब आप पब्लिक में जाते हैं, जब एक्चुअल डेटा कलेक्शन के लिए आप एक्चुअल इंडस्ट्री कंपनीज इंडिविजुअल्स के पास जाते हैं, तो उनको उनसे डेटा कलेक्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट जो है स्टेज है, और उसमें बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि रिस्पॉन्डेंट जो है वो कभी कभार फिल नहीं करके देते, इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते, रिप्लाई ही नहीं करते, और कभी कभार फिल करते हैं तो शायद वो इतनी इंटेंट से नहीं करते, इतनी अटेंशन से नहीं करते, और उसकी वजह से ये है कि जो आपका जो डेटा आ सकता है वो गलत आ सकता है। तो अगेन रिस्क हैं और प्रॉब्लम्स हैं, बट इसको हम बेसिकली इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि हम कहते हैं कि ठीक है, आई मीन ऑल्दो ये रियलिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, डेटा इतनी आसानी से कलेक्ट नहीं होता और लोग शायद इतना करेक्टली आंसर नहीं भी करते और कम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन नेवरतलेस फिर भी हमें एक एफर्ट तो करनी है, और एफर्ट में हम बिल्कुल जिसे कहते हैं ब्लैंक रहने की जगह पे हम कुछ ना कुछ तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो आती है जो कि ना होने से बेहतर है, तो ना होने से बेहतर हमारे पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन आए, एक स्टेप तो आगे हम बढ़ें। तो ये इस स्पिरिट के साथ हम जाते हैं और हम डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं विद ऑल दीज डिफ़िकल्टीज। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जिनसे हम रिस्पांस रेट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, सच एज़ कि हम इंसेंटिव्स ऑफर कर सकते हैं, सर्टन जैसे गिफ्ट वाउचर सा हो सकता है कि अगर आप इसको फिल करेंगे तो आपको एक फ्री जो है पास मिल जाएगा एक सर्टन मूवी का, या सर्टन आपको किसी गेम का पास मिल जाएगा, या किसी मैच का आपको पास मिल जाएगा, इस तरह की चीज़ आप कर सकते हैं, या फिर एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर सा आप उनको ऑफर कर सकते हैं, मे बी मैगजीन और समथिंग विच इज़ समथिंग यू कैन अफोर्ड। तो उससे यह है कि आपका रिस्पांस रेट शायद बढ़ जाए, एंड कभी कभार ये करते हैं कि आप किसी ऐसे जो है जो आपके जैसे मैंने कहा मैगजीन के डीलर्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं कि इस लेवल पे अगर हमने 500 600 जिस तरह कॉपीज़ चाहिए और रिस्पॉन्डेंट्स को जो फिल करके देंगे उनको आप मेल करेंगे, तो उनसे आप किसी हद तक डिस्काउंट लेके इस तरह की चीज़ कर सकते हैं जिसमें आप रिस्पॉन्डेंट को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा आपके जो है क्वेश्चनर को फिल करके दे। बट इसके बावजूद अगेन रिस्पांस रेट जनरली लो होता है, और कोशिश फिर उसकी ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजा जाए ताकि अगर 5, 10, 15, 20% भी अगर रिस्पांस आ जाए हमारे पास तो हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन अगेन 20% रिस्पांस लेने के लिए लेट्स से अगर आपने 100 लोगों को भेजा है, 20 आपको वापस कर रहे हैं, तो ये शायद सफिशेंट ना हो। तो आपने ये देखना है कि आपके पास एटलीस्ट लेट्स से अगर 200, 300 या 500 रिस्पॉन्सेज आपके पास आने चाहिए, तो आपका तकरीबन इसके मुकाबले में यू नीड टू सेंड टू एटलीस्ट समथिंग लाइक 2000 लोगों को आप भेजेंगे तो कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स वापस आएगा, या इससे ज़्यादा लोगों को भेजेंगे तो फिर आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने देखना होता है, और कभी कभार ये भी इशू आ जाता है कि आपके पास जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो ऑलरेडी, या जो जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं वो ऑलरेडी लिमिटेड होती है, तो उसमें से अगर हमारे पास हैं ही टोटल रिस्पॉन्डेंट 200 हैं, तो उनमें से अगर हम 20% को भेजना है तो हम यूजली सबको भेज देते हैं, कोशिश करते हैं कि शायद मैक्सिमम लोग हमें जो भी मैक्सिमम ऑफ दैट 20% हमें वापस कर देंगे तो हमारा कुछ काम चल जाएगा। लेकिन ये रियलिटीज़ हैं, पार्ट ऑफ दी एंड वी नीड टू डिसाइड एंड डिज़ाइन, ये सब डिज़ाइन कैसे है इस पर हम लोगों को मज़ीद बात करेंगे जब सैम्पलिंग की हम बात करेंगे कि सैम्पल साइज़ कितना होना चाहिए, तो उस पर जब आएंगे। लेकिन जनरली मेल क्वेश्चनर्स को लेना, उनके रिस्पॉन्स को लेना और कोशिश करनी कि आपके पास एज करेक्ट एज इंफॉर्मेशन आ जाए, इट्स अ क्वाइट अ चैलेंज, एंड बेसिकली यू नीड टू बेसिकली टेक अप दैट चैलेंज एंड सी इसमें से कितना अच्छा लेके आप इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। तो आप अपनी एफर्ट करें एंड ट्राई टू कलेक्ट एज वेल एज गुड एज द डेटा यू कैन। बाकी ऑफकोर्स चांसेस आर देयर कि कुछ उसमें एरर्स रह जाएँ, कुछ इश्यूज रह जाएँ, वो अपनी जगह पे हैं, उनको भी हम बात करेंगे कि कैसे उनको डील किया जाता है फ्यूचर अगली कुछ जो है सेशंस के अंदर।
लेकिन अभी हम कमिंग बैक टू जो क्वेश्चनर हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हम उसके ऊपर वापस आते हैं. तो जो इंस्ट्रूमेंट जो बनाते हैं, जो क्वेश्चनर होता है, कि उसमें सर्टन चीज़ें हैं जिनको हमने बड़ा एहतियात रखनी होती है. पहली बात, क्योंकि जो कि एक को रिस्पॉन्डेंट जो उसको फिल करके दे रहा है, पहले वो अपना स्पेशल टाइम निकालता है और वो फिर इसको पढ़ता है, उसमें से उसको रिस्पॉन्ड करता है. अब जब आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो अगर उसमें कुछ गड़बड़ रह जाती है, खराबी रह जाती है, तो वो आपके लिए बड़ा एम्बेरसिंग और बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है. तो आपने जो अपना इंस्ट्रूमेंट बनाना है वो इतना अच्छा बना के भेजें कि रिस्पॉन्डेंट को मुश्किल ना हो उसको आंसर करने में, और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपके लिए यूज़फुल भी हों. तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि आपने अपने जो क्वेश्चनर है उसको कैसे डेवलप करना है. तो उसमें हम पहले बात कर चुके हैं कि नेचुरली हमारे जो एक एक मैयर है, गुडनेस ऑफ मैयर के हमने बात कर चुके हुए हैं कि जब हम एक अपना इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो उसको इंश्योर करते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी भी हो, उसमें वैलिडिटी भी हो, यानी कि वो जो जो जिसको मैयर करना चाहिए वो मैयर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा. तो ये हमें चेक करना है कि जितने भी एस्पेक्ट्स को उसके मैयर करने चाहिए, जो भी हम जो भी कॉन्सेप्ट को मैयर कर रहे हैं, उसके जितने भी सब कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वो एक्चुअली टैप कर रहा है, उसको मैयर कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो ये बात हम कर चुके हैं. फिर हमने कहा था कि उसकी क्वालिटी या उसकी कितना अच्छा वो मैयर कर रहा है, ये भी हमने टेस्ट कर चुके हैं. तो जब हम इंस्ट्रूमेंट की जो है, ये भी इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हमें गौर करनी है. जैसे कि हमने कहा कि आपके पास अगर आपके क्वेश्चनर जो है वो हमें ये भी देखना है कि सब्जेक्टिव इनपुट ले रहा है कि ऑब्जेक्टिव इनपुट ले रहा है. ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि अगर आपके क्वालिटेटिव इनपुट है, यानी जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव, जिसको हम कहते हैं जिसमें लोग अपनी फीलिंग्स और अपने एटीट्यूड, अपने परसेप्शंस को दे रहे होते हैं, तो उसमें हमें गौर करना होता है कि हमारा क्वेश्चन है कि अगेन सब डायमेंशन और डायमेंशन के अंदर सब डायमेंशन जो है वो कवर हो रही हैं, और इसके अगेंस्ट जो स्केल है वो कौन सा यूज़ किया जा रहा है. क्योंकि अगेन ये हम बात कर चुके हैं कि इंटरवल स्केल जनरली जो जनरल स्केल है वो हम यूज़ करते हैं अपने सब्जेक्टिव फीलिंग्स के लिए. सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं जिनका सब्जेक्टिव वेरिएबल्स हैं, जिनके अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, उनका आंसर जो है वो आमतौर पे हम इंटरवल स्केल्स के ऊपर लेते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास कोई एब्सोल्यूट कोई जो है वैल्यू नहीं होती. तो उसको हम उसके लिए हम एक इंटरवल स्केल यूज़ करते हैं. ऑन दी अदर हैंड जो ऑब्जेक्टिव हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि जिसमें हमारे पास एज होगी, सैलरी होगी, तो उसमें हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं और उसमें हमें उसकी सब डायमेंशन या उसकी जो है उसके सब एलिमेंट्स की कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. तो वहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारा जो क्वेश्चनर है उसमें कौन से सवाल ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव नेचर के हैं, कौन से सवाल जो है ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं, और उनके अप्रोप्रिएट वो सामने अपने उसके स्केल्स को यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा. दूसरी बात है कि जो लैंग्वेज है वो हमें बड़ी एहतियात से यूज़ करनी है कि हमारा रिस्पॉन्डेंट जो है उसको जहन में रखते हुए हमें अपनी लैंग्वेज को यूज़ करना होता है. इसमें हमने अवॉइड करना है कि हमने कोई टेक्निकल वर्ड जार्गन यूज़ नहीं कर रहे, या फिर हम टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, या फिर हम जार्गन यूज़ नहीं कर रहे. जार्गन से मतलब एक कोई जो एक स्लैंग लफ्ज है उसको हम यूज़ नहीं कर रहे, जो कि शायद एक मतलब एक कॉमन जो है इंडिविजुअल माइट नॉट बी एबल टू एसोसिएट. जनरली जब हम इंग्लिश में क्वेश्चनर भेज रहे होते हैं, और हमने कभी कभार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चनर जो है वो वेस्ट में डेवलप किए होते हैं, वहाँ के लोकल जो है कल्चर से जो है एसोसिएटेड, उसमें लैंग्वेज की सर्टन जो है आमेजिश होती है, तो वो हम उनको जब एज इट इज़ यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम आती हैं. सच एज़ के आमतौर पे मे बी एक लोकल वर्ड वहाँ पे कूल का मतलब शायद बड़ा स्मूथ, बहुत अच्छा के सेंस में लिया जाता है, लेकिन हमारे माशरे में शायद ये वर्ड एज सच उसको इसका कोई मीनिंग नहीं है. अगर इसका एक्चुअल वर्ड की मीनिंग देखें तो कूल का मतलब ठंडा होता है, लेकिन ये है कि अगेन ये एक लोकल स्लैंग है जिसमें इसका मतलब शायद ये है कि बहुत अच्छा, बड़ा जैसे कहते हैं चिक, या बहुत ही ज़्यादा एडवांस किस्म का कोई है तो हम कहते हैं कि ये बहुत कूल है. तो ये ऐसा एक वर्ड अगर यूज़ करेंगे तो लोग जो है वो उससे उस वर्ड से एसोसिएट नहीं कर सकेंगे. ये आपने देखना है कि आपके जो कल्चर है उससे रिलेटेड वो कौन से वर्ड्स एसोसिएट कर सकते हैं. इसी तरह टेक्निकल में जार्गन में मतलब ये है कि आप ऐसे वर्ड यूज़ ना करें जैसे कि हम कह देते हैं कि 360 डिग्री का जो है आपकी इवेल्यूएशन होनी चाहिए. अब 360 डिग्री जो है वो एक बड़ा
टिपिकल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टर्म है. तो इस तरह की चीज़ों पे हम लोगों ने ध्यान देखनी है कि ये कोई इशू ना हो लैंग्वेज का. इसी तरह हम बात करेंगे कि टाइप्स एंड फॉर्म्स जो हैं हमारे पास वो ओपन एंडेड होते हैं क्वेश्चनेयर के, और कभी कभार वो क्लोज एंड, ज़्यादातर तो क्लोज एंडेड होते हैं, लेकिन कभी कभार हम क्वेश्चनेयर में ओपन एंडेड भी छोड़ देते हैं टू गेट मोर रिच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट. और अगेन हम फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे फॉर्मुलेट करते हैं जिनको हम पॉजिटिवली वर्डेड करते हैं, कुछ को हम नेगेटिवली वर्डेड करते हैं. और इसके साथ साथ फिर हमने ये भी ध्यान रखना है कि हमने कोई बायसेस ना, हमारे जो जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें कोई बायसेस ना हो. जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं अपने क्वेश्चन की, जो क्वेश्चंस हमने बनाए उसमें कोई हमारे अपनी पर्सनल बायसेस ना हो, या फिर कोई ऐसे सोशल बायसेस ना हो, या फिर कोई उसमें कोई ऐसी जो इश्तियाल अंगेज लैंग्वेज ना हो जिससे लोग जो हैं वो इरिटेट हों, या उसका जवाब जो है वो इमोशनली दें रादर देन क्रिटिकली थिंकिंग अबाउट दी सिचुएशन इटसेल्फ. और फिर थोड़ी सी हम बात करेंगे कि सीक्वेंस जो है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ के आपका क्वेश्चनेयर को कैसे अरेंज करना है, कैसे क्वेश्चंस को अरेंज करना है. और उनमें से पहले आप जनरल बात करते हैं, देन आप स्पेसिफिक पे आते हैं, ताकि रिस्पोंडेंट जो है उसका माइंड जो है वो स्लोली जो है वो सिचुएशन को या अपने सिनेरियो को अब्जॉर्ब करता हुआ उसकी डिटेल में चला जाए और जा सके. इमिडिएटली अब्रप्टली आप बहुत ही डीप क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो समटाइम्स वो उस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा. तो इसलिए इसकी फनलिंग का इफेक्ट जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे जनरल से स्पेसिफिक पे आते हैं. ओके, तो लेट्स, ये हम बात कर चुके हैं वैसे कंटेंट एंड पर्पस के ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर. हमने कहा कि इफ द वेरिएबल्स टैप्ड आर सब्जेक्टिव हैं, फीलिंग्स हैं, तो हम उनकी उसके डायमेंशंस और उसके एलिमेंट्स की जरूर उसको आइडेंटिफाई करें और उनको यूज़ करें, उनके ऊपर क्वेश्चंस बने. और हमारा जो स्केल होना चाहिए वो हमारा इंटरवल स्केल होना चाहिए. ऑन दी अदर हैंड अगर हम कहते हैं कि आपके वेरिएबल्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, फैक्ट्स हैं, तो सिंगल डायरेक्ट क्वेश्चन भी जो है उसके लिए काफ़ी है. तो यानी सब्जेक्टिव फीलिंग है तो उस फीलिंग के लिए मे बी आपको 10-15 सवाल एड्रेस करने चाहिए. जैसे हम लोगों ने जॉब इनरिचमेंट के ऊपर सवाल देखे कि इसने 12 सवाल बनाए हुए थे जॉब इनरिचमेंट के ऊपर. इसी तरह आपके पास टीचिंग लर्निंग के ऊपर भी मे बी आपके पास 7-8 सवाल बनते हों, तो मे बी एक वेरिएबल कहीं पे तो उसके लिए 2-3 ही सवाल का, उसके लिए एक सवाल ही काफ़ी है, और कहीं जगह पे एक वेरिएबल के अगेंस्ट आपको 10-10, 12-12 सवाल करने पड़ते हैं टू इंश्योर कि आपने उसके सारे एस्पेक्ट्स को मैयर किया है. तो ये आप समझ रहे हैं बात कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन से भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कौन सा वेरिएबल है. अगर वेरिएबल हमारा विद समथिंग जो सब्जेक्टिव हो तो उसमें आमतौर पर हमारे पास जो डेटा होता है वो हम कलेक्ट करते हैं थ्रू मल्टीपल क्वेश्चंस, और ताकि उस और वो मल्टीपल क्वेश्चंस के पीछे सारे डायमेंशंस को मैयर कर रहे होते हैं. लैंग्वेज में हमने वही बात करी, स्लैंग की हमने बात कर दी, टेक्निकल जार्गन की बात कर दी. अगर हम वर्ड ड्रैग का यूज़ करते हैं, वर्क इज़ अ ड्रैग, ये अगेन एक स्लैंग है. ड्रैग डज नॉट मे बी एसोसिएट विद द लोकल जो वहाँ पे पाकिस्तान में है. तो यू माइट फाइंड कि वहाँ पे क्वेश्चनेयर है ड्रैग के मतलब बड़ा बोरिंग सा है, तो आप इसकी जगह पे ऐसा वर्ड यूज़ करें जिसमें लोग इसको एसोसिएट कर सकते हैं. वर्क इज़ बोरिंग अगर कहेंगे तो शायद ज़्यादा लोग इसको समझ कर लेंगे. तो ड्रैग इज़ मोर ऑफ अ लोकल स्लैंग. ऑन दी अदर हैंड ये भी अगेन शी इज़ अ कंपल्सिव वर्कर, ये भी अगेन एक स्लैंग में आ जाता है. या फिर 360 डिग्री अप्रेजल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होना चाहिए. अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक आईटी का प्रोफेशनल हो, इंजीनियर हो, इस टर्म को समझता हो. इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है आपके एजुकेटेड रिस्पॉन्डेंट एजुकेटेड भी हो सकता है और उसकी जो वो अपनी बेसिकली इंग्लिश भी उसको आती हो, और आपका क्वेश्चनर जो है वो अगर इंग्लिश में बनाया हुआ है तो उसको वो जनरल उसकी इंग्लिश समझ जाए, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज शायद उससे एसोसिएट ना कर सके. तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है. और फिर आपके पास ऐसा भी है, लेकिन अगर आपकी ऑडियंस जो है वो जनरल पब्लिक है जो उर्दू स्पीकिंग है, और या लोकल सराइकी या पंजाबी या पश्तो स्पीकिंग है, तो कभी कभार आप क्वेश्चनर्स को फिर आप ट्रांसलेट भी करते हैं, और उसमें आपने देखना होता है कि अगेन कि उसकी जो लैंग्वेज है वो लोकल जो है उसको जो रिस्पोंडेंट है उसके मुताबिक हो, क्योंकि आपका असल मकसद तो जो है किसी
रिस्पोंडेंट से उसका करेक्ट जो आंसर लेना होता है. तो हमने उसमें बहुत एहतियात करनी है क्योंकि हमने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं सो फार. हमने पूरी रिसर्च डिज़ाइन कर चुके हैं, उससे पहले हम रिसर्च को स्टडी कर चुके हैं, उसकी लिटरेचर को स्टडी कर चुके हैं, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर चुके हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना दिया, हाइपोथेसिस बना लिए, फिर हमने रिसर्च डिज़ाइन के डिफरेंट इशूज़ पर गौर करके उसको प्लान कर लिया. और जब हम क्वेश्चनेयर बनाने जा रहे होते हैं तो हम इसके एहतियात नहीं करते, तो क्या होता है कि क्वेश्चनेयर हम उठाते हैं और हम भी सर्कुलेट कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि इसका जो रिस्पांस आएंगे वो शायद हमारे लिए यूज़फुल ही ना हो. तो वो जो गार्बेज इन गार्बेज आउट का जो है ना, अगेन ये भी टेक्निकल जार्गन है जो आईटी वाले शायद समझते हैं कि जो अगर गलत चीज़ आप इनपुट करेंगे तो गलत ही चीज़ आउटपुट होगी. तो अगर हमारे पास डेटा गलत आ रहा है तो गलत ही रिजल्ट्स आएंगे. वजह यह है कि जो हमने इंस्ट्रूमेंट कभी कभार जो यूज़ किया जाता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता और इतना सही नहीं बनाया होता. तो अगेन वो शायद डायमेंशन वाइज बिल्कुल सही हो, वो शायद एलिमेंट्स वाइज सही हो, वेरिएबल वाइज सही हो, स्केल वाइज भी ठीक हो, लेकिन अगर उसकी लैंग्वेज गलत है, उसमें लैंग्वेज वो ऐसी है नहीं, और अगर लोकल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट नहीं किया तो रिस्पॉन्डेंट्स को शायद प्रॉपरली अंडरस्टैंड ही ना करेगा. तो इसलिए क्या होता है कि उसके जो रिस्पॉन्स है वो वेरीड आ रहे होते हैं, डिफरेंट आना शुरू हो जाते हैं जो कि होना नहीं चाहिए. तो ये सर्टन इशूज़ हैं, प्रैक्टिकल इशूज़ हैं जो हमें फेस करते हैं. इसी तरह टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं क्वेश्चंस के. हमने कहा था कि ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं, या पॉजिटिवली वर्डेड या नेगेटिवली वर्डेड भी हो सकते हैं. ओपन एंडेड में कहा था कि इन ओपन एंडेड द रिस्पोंडेंट चूजेस एनीवे, जिस तरह चाहे उसको आंसर कर सकता है. कोई से भी फाइव थिंग जो उसको पसंद है अपनी जॉब में वो भी लिस्ट कर दें, तो ही कैन लिस्ट जो भी उसको फाइव थिंग है. लेकिन या ऑन द अदर हैंड हम उसको कह सकते हैं कि अच्छा ये पांच चीज़ें हैं, इनमें से पहली कौन सी, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी, आप उसको रेट करवा सकते हैं. तो इसमें आपने रेट करवाया, उसमें आपने उससे कहा कि अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी लिख दें. तो ऐसे इसको हम ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड कहते हैं. बट जनरली अगेन कोशिश की जाता है जब क्वेश्चनर्स को यूज़ किया जाए तो क्लोज एंडेड ही क्वेश्चनर को डेवलप किया जाए, क्योंकि इसमें एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें हमें बहुत आसानी हो जाती है. वजह यह कि हमारे पास जो उसके जो डेटा है उसको हमने किसी न किसी जो है स्कीम के तहत उसके स्टैटिस्टिक्स उसकी फ्रीक्वेंसीज निकालनी पड़ती हैं. तो जो क्वालिटेटिव होता है जिसमें अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिख दी या उसमें किसी ने कोई पॉइंट दो पॉइंट अपनी मर्जी से लिख दिए, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास एक उसको हम टैबुलेट कर सकें जनरली आसानी से, उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं क्लोज एंडेड की तो उसमें टैबुलेशन आसान हो जाती है. ऑल दो मे बी जो हम कहते हैं कि सर्टन जो रिचनेस है, जो ट्रू ओपिनियन है, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमने पूछी नहीं या उसमें चॉइस ही नहीं दी, वो रह गई है, तो उसको थोड़ा सा हमने उसको हमें हैंडल भी कर सकते हैं विद क्लोज एंडेड. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी क्वेश्चनर्स में कि जहाँ पे आपने सर्टन चॉइसेस दी हैं, इसके अलावा आप एक ओपन भी छोड़ देते हैं जिसमें कहते हैं अदर्स. तो अगर रिस्पोंडेंट को समझ आता है कि ठीक है ये चार चॉइसेस के अलावा मैं किसी और में फिट होता हूँ या मेरा आंसर किसी और में फिट होता है, तो उसको लिख देता है. तो ये एक रिलेटिवली अगेन थोड़ा सा मिक्स है जिसमें ओपन एंडेड भी है और क्लोज एंडेड भी है. मोस्टली ये क्लोज एंडेड है वो आपने यूज किया जिसमें आपने ऑप्शन दे दिए, और नीचे पांचवी या छठी ऑप्शन का अदर्स में आप वो कह देते हैं कि आप अपनी मर्जी से जो उसमें इंफॉर्मेशन जो ऊपर में पांच इन्फॉर्मेशन में मैच नहीं करती उसमें आप बता दें. तो ये तरीके यूज किए जा सकते हैं ताकि रिस्पॉन्डेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके ज्यादा अच्छे तरीके से. इसी तरह जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो रिस्पॉन्डेंट है वो कभी कभार एक मोनोटनी में एक जो है रॉ में वो भरता चला जा रहा होता है विदाउट समटाइम्स रीडिंग द क्वेश्चंस प्रॉपरली. उसकी कई वजूहत हो सकती है, उसका कंसंट्रेशन लेवल हो सकता है, उसकी इंटेंट हो सकती है, शायद वो बस जान छुड़ान चाह रहा हो या उसका कंसंट्रेशन ब्रेक हो रही हो किसी वजह से. तो उसमें ये होता है कि अगर हमारा एक ही रॉ से एक ही तरीके से वर्डिंग्स चल रही हो तो वो अगला सवाल को अज्यूम करके उसी तरह उसका कि ये सवाल यही लिखा होगा या इसमें ये चीज़ होगी, तो उसको उस फ्लो की वजह से क्या करता है कि रिस्पॉन्डेंट जो है वो आंसर सर्टन जो है वो टिक मार्क करना शुरू कर देता है, यस यस या पिक मारता चला जाता है, या फिर नो या यस या एग्री या स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली एग्री पे मार्क करता चला जाता है. को समझ आ जाती है कि अच्छा जी ये इस इश्यू के ऊपर बात कर रहा है और इस पर तो मैं जनरली मेरी ये फीलिंग है. अच्छा उसमें क्योंकि वो अवार्ड नहीं कर रहा था आपके उसके अंदर मोस्ट पॉसिबल है, ऐसी हो सकती है कि उसमें कोई ऐसा भी एस्पेक्ट हो
जिस पे आप चाहते हैं कि या उस पे कोई डायमेंशन है जिस पे उसको सोच के जवाब देना है, कोई डिफरेंट हो सकती है कोई, क्योंकि आपके पास मल्टीपल डायमेंशन होते हैं, तो उसमें रिस्पॉन्डेंट कभी कभार पढ़े बगैर उसको टिक कर जाता है, तो उसको उसको चेक करने के लिए अगेन समटाइम्स एडवाइस कि आप इन पॉजिटिवली या नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चन है उसको मिक्स करते हैं. मसलन ऐसे है कि जैसे कि कुछ सवाल जैसे आपने जो किया, जैसे कर रहे हैं कमिंग टू वर्क इज ग्रेट फन, इसी को सवाल तो आपने यही करना है, लेकिन थोड़ा सा इसको रिवर्स कर देते हैं लाइक कमिंग टू वर्क इज नो ग्रेट फन. अब इसका आंसर जब देगा वो कमिंग टू वर्क इज ग्रेट फन, तो मे बी वो स्ट्रांगली एग्री देगा या एग्री करेगा, जबकि कमिंग टू वर्क इज नो ग्रेट फन का जब आंसर देगा तो उसको डिसएग्री का जवाब देना चाहिए. तो उसका जो एक मोनोटनी बन रही होती है एग्री 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 एग्री, उसको ब्रेक करता है और एकदम से जब स्टेटमेंट को पढ़ता है तो वो थोड़ा सा रुक जाता है और रुक के फिर उसके अप्रोप्रिएटली जाए. तो ये भी एक चेक है अगेन, इससे मोनोटनी को खत्म होती है, बार बार एक चीज रिपीटेशन में आ रही होती है उसको बोरियत होने लग जाती है, 30 सवाल 50 सवाल उसने फिल करने होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ट्विस्ट दे देते हैं और उससे ये है कि उसका कंसंट्रेशन को भी आप गेन कर लेते हैं, वापस उसका टेंशन को गेन कर लेते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आप चेक भी कर लेते हैं कि आपका जो है रिस्पॉन्डेंट कितने कंसंट्रेशन से उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है. उसमें अगेन कुछ ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं जो मे बी रिपीट किए जा रहे हों, कि पहले उनको पॉजिटिवली वर्डिक दिया हो कुछ पांचवें सातवें आठवें या दस सवाल के बाद उस सवाल को दोबारा रिपीट कर दिया जाता है जस्ट टू टेस्ट के रिस्पॉन्डेंट जो है उसको सही फील कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो जहां पे इस सवाल का कमिंग टू वर्क ये लेट्स से तीसरे नंबर सवाल पे वो कहता है कमिंग टू वर्क इज ग्रेट फन, यहां पे उसको टिक करता है एग्री, और कोई बारहवें सवाल पे फिर ये सवाल आता है कमिंग टू वर्क इज नो ग्रेट फन, अब इस पे उसको डिसएग्री कर देना चाहिए. तो अगर ये दोनों में मैं एक जगह पे एग्री है डिसएग्री है, तो आपको अगेन ये कंफर्म हो जाता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट जो है उसको जो फिल किया गया है रिस्पॉन्डेंट ने बड़े तवज्जो से किया है, और फिर ये आपके लिए एक वैल्यूएबल सोर्स बन जाता है. अगर ऐसी चीज़ नहीं हो रही आपके क्वेश्चनर के अंदर तो फिर देर इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्वेश्चनर जो है जो वो डेटा जो है वो अच्छा नहीं है, और उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपके बाकी रिजल्ट्स को भी ख़राब करेगा. तो अगेन ये सर्टेन टेक्निक्स है जिनको यूज़ किया जा सकता है टू इम्प्रूव दी आउट जो आपका है डेटा कलेक्शन. कुछ बायसेस हमने कहा था कि आपके जो है वो आपके क्वेश्चनर की स्टेटमेंट्स के अंदर आ जाते हैं, जिनसे आपके रिस्पॉन्डेंट जो हैं वो एक तरह से पर्टिकुलर तरीके से जवाब देना शुरू कर जाते हैं. वो बायसेस क्या होते हैं, वो आपकी जो टर्म लैंग्वेज होती है उससे एक सर्टन जो है रिस्पॉन्डेंट को एक हिंट मिलना शुरू हो जाता है कि ये इस तरह का जवाब की तलाश कर रहे हैं या इस चीज़ को वो तलाश कर रहे हैं. और क्योंकि ह्यूमन नेचर होती है आमतौर पे हम यूजुअली हम डिसएग्री करना से ज़्यादा एग्री करना पसंद करते हैं, तो हम वो उस जो बायसेस जो हमारे स्टेटमेंट के अंदर होती है उस चीज़ के साथ उस रो में हम रॉ में चल पड़ते हैं. तो उसमें जैसे कि एक स्टेटमेंट ये है इसमें एक एक जो स्टेटमेंट जिसकी वजह से आ सकती है प्रॉब्लम, ये तो खैर एक दूसरा इशू है. लेकिन ये जिस तरह की एग्जांपल जो बता रहा था मैं कि इसमें लीडिंग जिस तरह का क्वेश्चन है, इसमें हम कहते हैं कि अगर आपके जो आर वर्डेड इन सच अ वे दैट दे लीड द रिस्पॉन्डेंट टू आंसर इन अ वे, जैसे रिसर्चर चाह रहा हो, जैसे जो रिसर्चर की फीलिंग्स हो उसके हिसाब से, जैसे कि क्योंकि आपने क्यूरी फॉर्मुलेट की होती है जहन में और आप कह रहे होते हैं कि एक्स फैक्टर जो है वाई के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है. अब आप जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें भी कुछ इस तरह ही के जो है अपनी जो आपकी थ्योरी है उसकी रिफ्लेक्शन नजर आनी शुरू हो जाती है. जैसे कि इसमें स्टेटमेंट में इसने दिया है कि डोंट यू थिंक दैट दीज डेज ऑफ एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग पीपल शुड बी गिवन अ गुड पे रेज, डोंट यू थिंक दैट इन दीज डेज ऑफ एस्केलेटिंग कॉस्ट of living people should be given good pay raise. अब आप इसको थोड़ा सा आपको लीड कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं आजकल तो बहुत महंगाई है, क्या ख्याल है लोगों को सैलरी ज़्यादा नहीं हो जानी चाहिए. तो जब आपने इसमें अपने थोड़ा सा बायसनेस डाल दी कि आप पहले से उसको मेंटली तौर पे उसकी इमोशंस को आपने जो है वो टिकल कर दिया है और आपने कहा कि आजकल तो बहुत महंगाई है, मैं क्या ख्याल है आपका रेज नहीं होने चाहिए, प्रे रेज नहीं होने चाहिए. तो जब आप एक इशू को जानबूझ के उठा के और उसको फिर उसमें उस
उसके बेसिस के ऊपर आप उनके रिस्पॉन्स लेने की कोशिश करते हैं, तो अगेन उसमें आप एक लीड कर रहे हैं रिस्पॉन्डेंट को, तो उसको एक बेहतर तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री दैट एम्प्लॉय शुड बी गिवन हायर पे रेज। अब इसमें अगेन इसमें आपने कोई लीड नहीं किया, आपने उसको इमोशनली किस तरह से नहीं चलाने की कोशिश की, तो ये अगेन ये आपको अवॉइड करना है। इसी तरह एक और है एग्जाम्पल के, डोंट यू थिंक मोर वीमेन should be promoted to decision making in line position in the organization. Ab again aapne yahan pe again apna lead kar diya, aapne kaha ki zyada auraton ko higher positions mein job milni nahi chahiye, kya aapke khayal kya hai, to isme again aapne pehle hi apna usko keh diya, intent aapne bata di apni, aapki apni feelings bata di, which is not correct. To isi tarah ke aur questions mein hum hamare questions ho sakte hain jo problem create kar sakte hain. इसी तरह हमारे पास जिसके एक होते हैं जिनको हम कहते हैं डबल बैरल्ड क्वेश्चंस। अब डबल बैरल्ड क्वेश्चंस में क्या है कि हम एक सवाल के अंदर दो सवाल पूछ रहे होते हैं, ये भी बहुत दफा मैंने देखा है कि क्वेश्चन जो डेवलप किया जाता है, क्वेश्चंस को डेवलप किया जाता है, उसमें स्पेशली स्टूडेंट जो हैं वो क्वेश्चनेयर को जब खुद डेवलप करते हैं तो उसमें दो या तीन इश्यूज को एक ही साथ एड्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो ऑल्दो उनकी रिसर्च के तो इशू के लिहाज से तो ठीक हो सकता है कि भाई हमने ये तीन चार चीज़ों पे इन्फॉर्मेशन लेनी है, लेकिन रिस्पॉन्डेंट के एंगल से गौर नहीं करते कि इसका आंसर जब देगा तो कैसे देगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल ये है कि डू यू थिंक द कोर्स कंटेंट इज एडिक्वेट एंड इज एप्लीकेबल एट योर वर्क। अब इसमें कोर्स कंटेंट के बारे में जब आप पूछते हैं कहते हैं कि जी एडिक्वेट है, सफिशिएंट है और ये एप्लीकेबल है आपके काम में। अब ये दो बातें हैं, एक जगह पे उससे कहते हैं एडिक्वेट, तो आपको ऐसा हो सकता है कि आप एडिक्वेट समझें कि हाँ काफ़ी है, और लेकिन आप समझ सकते हैं कि शायद ये मेरी जॉब के लिए ठीक नहीं है, लेकिन एडिक्वेट है, सफिशिएंट है, इतना कोर्स में का कंटेंट ये ठीक है, ये कोर्स के अंदर ये कंटेंट होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एग्री करें कि जी जनाब ये एप्लीकेबल टू माय वर्क सिचुएशन भी है। इसका जो जवाब अगर वो यस से देता है तो ऑन द अदर हैंड इसका जवाब वो नो से भी दे सकता है। तो जब जवाब आगे यहाँ पे जब देना होगा तो क्या दे, यस दे कि नो दे, ये उसको नहीं पता चलता कि इसको नहीं, क्योंकि इसमें तो एक चीज़ यस है एक चीज़ नो हो सकती है, एक चीज़ से एग्री कर सकता है एक चीज़ से डिसएग्री कर सकता है। तो ये जिसको हम इसको हम कहते हैं ये डबल बैरल क्वेश्चंस हैं, और डबल बैरल क्वेश्चंस जो हैं उसमें एक सवाल के अंदर दो सवाल हो जाते हैं। आइडियल ये है कि इसको स्प्लिट कर दें इंटू टू, इसके लिए सेपरेट सवाल पूछ लें और इसके लिए आप सेपरेट सवाल पूछ लें, तो दो सेपरेट क्वेश्चन आप करें, एक एप्लीकेबल के लिए ज्यादा बना लें, एक एडिक्वेट के लिए, सिंपल एज दैट। इसी तरह एम्बिगस क्वेश्चन में ये होता है कि समटाइम्स आपकी जो रिस्पॉन्डेंट है उसको पता नहीं चलता कि मैं इसका जवाब क्या दूँ, डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स बेसिकली, ई जी टू व्हाट एक्सटेंट वुड यू से यू आर हैप्पी। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको एम्बिगस होती हैं, उनको एग्जैक्टली उनको मैयर करना मुश्किल होता है, तो अगेन उसमें हैप्पीनेस जो है अगेन बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, हमने बात कर सकते हैं इस बारे में, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा जो है एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है। एक और देखें एग्जांपल जिसमें हम कहते हैं कि डू यू डिस्कस योर वर्क विद योर बॉस रेगुलरली। अब ये रेगुलरली जो है वर्ड अगेन इसमें एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी ये है कि आपको आप रेगुलरली इसके मतलब ये है कि आप रोज उनसे मिलते हैं रेगुलरली का, किसी और के लिए ये मतलब हो सकता है कि वीकली आप अपने बॉस से मिलते हैं, रेगुलरली का मतलब कोई और ले सकता है, वो कह सकता है कि मंथली मैं मिलता हूँ। तो ये फ्रीक्वेंटली का जो या रेगुलरली जैसे एक वर्ड है कि डू यू गो टू द मूवीज फ्रीक्वेंटली, अगेन ये भी बड़ा एक एम्बिगसी टर्म है, क्योंकि फ्रीक्वेंट जो है मेरे नज़दीक फ्रीक्वेंट का मतलब है वंस इन अ वीक, वन वुड थिंक एनी फ्रीक्वेंटली मीन्स एवरी डे, एंड तीसरे के लिए फ्रीक्वेंट मीन्स वन इन वंस इन अ मंथ। तो ये फ्रीक्वेंटली जो है जो उसका जो रिस्पॉन्स को देगा उसको अगर कहेगा यस तो वो शायद दे रहा हो कि मंथली में एक दफ़ा जाना फ्रीक्वेंटली है, लेकिन दूसरा इंडिविजुअल जो दे रहा है यस जवाब दे रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ मे बी वंस इन सिक्स मंथ्स हो सकता है।
तो दोनों की जो रिस्पांस है उनको इक्वेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं हर सिक्स मंथ्स बाद जाता हूं और फ्रीक्वेंटली, जेन में उसके ये है कि मैं फ्रीक्वेंटली जाता हूं, और दूसरा इंडिविजुअल कह रहा है कि मैं हर वीक जाता हूं, वो उसको फ्रीक्वेंटली समझता है। तो ऐसी चीजें हैं। इस तरह जब मैंने कहा कि हैप्पी की बात है, तो हैप्पी किसके हवाले से हैप्पी है? अपनी जॉब के हवाले से हैप्पी है, वर्क के हवाले से हैप्पी है, किसके हवाले से आप हैप्पी हैं? तो अगेन, जब आप उससे पूछे आर यू हैप्पी विद योर, आप हैप्पी हैं अपने आप से, आर यू हैप्पी, तो अब आर यू हैप्पी में अगेन हैप्पी किसके हवाले से? एक ने जवाब दे दिया वर्क के हवाले से, एक ने जवाब दे दिया घर के हवाले से, तो वो डिफरेंट आंसर्स तो आपने दे ले लिए, लेकिन उनकी जो जहन में जो उसकी जो बना है, आइडिया बना है, वो एक डिफरेंट बना है। तो दिस इज सर्टन इश्यूज कि हमने ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करना, ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करना जिससे एम्बिग्यूटी आती है। जैसे कि मैंने कहा फ्रीक्वेंटली या रेगुलरली, तो थोड़ा सा आप उसको, तरीका यही है कि आप जो भी उसका रिस्पॉन्डेंट है उसको जहन में रखते हुए अपने उस क्वेश्चन को पढ़ें, और दो तीन लोगों से और भी पढ़वाएं कि आपको इस सवाल से क्या समझ आ रही है। और बड़ी कॉमन सी बात है, हम फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज कर लेते हैं, हम कई दफा रेगुलरली भी हम वर्ड कॉमनली यूज करते हैं, इसकी जगह पे बेहतर है कि आप उसके कहें कि अच्छा जी आप बेसिक आप उससे पूछ सकते हैं कि आप मूवीज में हर वीक जाते हैं, ये एक मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। इससे अगर आप फ्रीक्वेंसी इस्टेब्लिश करना चाहें तो कर सकेंगे, कि अगर कोई कहता है नहीं, कोई कहता है नहीं यस, तो फिर ये कि लेकिन आप कह रहे हैं कि वीक में हर दफा एक दफा आप जाते हैं, या आप हर रोज अपने बॉस से मिलते हैं, ये रेगुलरली के लिए मोर बेटर स्टेटमेंट है, या हर वीक आप अपने बॉस से मिलते हैं, तो ये एक मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, इसमें एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी। अगर कोई महीने बाद मिलता है तो कहेगा नहीं, ये तो मैं रेगुलरली नहीं जाता, इसका मतलब है मैं इतनी इनफ्रीक्वेंटली जाता हूँ, तो इनफ्रीक्वेंटली का मतलब उसके लिए वो इनफ्रीक्वेंट है, लेकिन एक के लिए वो फ्रीक्वेंट है। तो ये चीजें हैं जिनको हमने ध्यान रखना है। अगेन कि हमने देखें इतनी एफर्ट की, क्वेश्चनेयर बना लिया, कहाँ कहाँ से हम चलते हुए डिजाइन हमने बना लिया, क्वेश्चनेयर के अंदर जो वर्ड्स हैं उसमें हमारे बायसेस अगर आ जाएंगे तो लोग जो हैं उसका आंसर सही नहीं दे सकेंगे और डेटा हमारे पास गलत कलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारा अगर क्वेश्चन के अंदर बहुत ही पुराने कोई इंफॉर्मेशन या उस पास से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन अगर हम कहेंगे कि हमें पता चले, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि लोगों को याद नहीं होता। अगर वो हम किसी से कहेंगे कि जी आप 30 साल पहले जो आपने काम कर रहे थे, आपने कोवर्कर का नाम आपको पता है, या डिपार्टमेंट में किस साल में आपने उसको ज्वाइन किया था, अब ये इन्फॉर्मेशन जब आप लेंगे किसी को ऑन द स्पॉट पूछेंगे, तो समटाइम्स उसको वो चीज़ याद नहीं, बल्कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पुरानी बातें एग्जैक्ट याद नहीं होती, वो एस्टिमेशन से आप बताते हैं और वो शायद गलत भी हो सके। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे डेटा को अवॉइड करें, या जो पास्ट से रिलेटेड है और इंडिविजुअल से पूछा जा रहा है, तो वो उसमें क्योंकि रिस्पॉन्डेंट को चीज़ें याद नहीं होती, और आमतौर पर रिकॉर्ड में कभी कभार होती भी हैं और कभी भी नहीं भी होती, तो ये चीज़ें आपने इसको अवॉइड करना है कि बहुत ऐसा क्वेश्चन हो जो बहुत पास्ट है। लीडिंग क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं, और अब लोडेड क्वेश्चंस में थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें हम कहते हैं कि लोडेड क्वेश्चन बेसिकली आर व्हेन दे आर फ्रेज इन एन इमोशनली चार्ज्ड मैनर। अब इसमें हमने अपनी वर्डिंग्स में अगेन इसमें गड़बड़ करते हैं, हम कहते हैं कि जो एग्जाम्पल है हमारे वर्डिंग जो है उसमें एक इमोशन को जो है ट्रिगर करने की बात की जा रही होती है, तो उसमें यह है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक मैनेजमेंट इज लाइकली टू बी विंडिक्टिव और क्रूअल इफ द यूनियन डिसाइड्स टू गो ऑन स्ट्राइक। अब आप उसको कह रहे हैं कि मैनेजमेंट आपके साथ जो है वो विंडिक्टिव हो जाएगी, आपसे बदला लेगी अगर आप जो है यूनियन के साथ स्ट्राइक पे जाएंगे, तो इस पे अगर आप किसी से ओपिनियन लेंगे तो वो लोग पहले से ही जो है वो मैनेजमेंट के खिलाफ या इसके खिलाफ सोचना शुरू कर देंगे। ऑन द अदर हैंड इसको इस तरह लिखा जाता है, टू व्हाट एक्सटेंड यू फेवर स्ट्राइक, ठीक है, क्योंकि आप स्ट्राइक की बात करें, एंड टू व्हाट एक्सटेंड यू फियर दैट देयर वुड बी एन एडवर्स रिएक्शन टू द फ्रॉम द मैनेजमेंट। अब ये एक थोड़ा सा सॉफ्टर टोन है, उसमें आप कह रहे हैं एडवर्स रिएक्शन आ जाएगी। अभी रिसेंटली मैंने एक और देखा, जगह पे देख रहा था कि उसमें रिस्पॉन्डेंट जो क्वेश्चन किसी ने कहा कि जी लाए है, इट्स अ लाए, तो लाए जो वर्ड अगेन समटाइम्स लोडेड टर्म, और उसकी जगह पे आप ये कह सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो जब इमोशनल वर्डेड यूज किए जाएंगे तो रिस्पॉन्डेंट जो है वो उससे बहुत एडवर्सली उसको आंसर कर सकता है, और वो आपके लिए
जो है इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है. इसी तरह जैसे कि किसी ने पूछा कि डिड पीटीआई लूज द इलेक्शन इन पंजाब. अब ये लूज वर्ड जो है कि इमोशनली चार्ज है. इस जगह पे आकर के बेटर कह सकते बेटर हम कह सकते थे कि पीटीआई वाज नॉट चोजन इन पंजाब. ठीक है ना. तो चोजन वर्सेज लॉस्ट और लूज वर्सेज चूज जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, तो हम उसको इस तरह हैंडल कर सकते हैं अपनी चीज को. क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम उसको किसी को इमोशनली जो है अपसेट भी नहीं करेंगे. इसी तरह कभी कभार हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनमें हम ऐसी टर्म ऐसी सवाल पूछते हैं जिन जो सोशली डिजायरेबल जो है आंसर्स उसी तरह आते हैं. जैसे कि अगर किसी से कहा जाए कि दूध पीना क्या अच्छी चीज़ है, तो उसमें जनरली सब लोग कहेंगे हाँ अच्छी चीज़ है. या फिर हम कहें कि जी ओल्डर पीपल को डू यू थिंक दैट ओल्डर पीपल शुड बी लेड ऑफ, तो अगेन लोग आमतौर पर कहेंगे नहीं नहीं ये तो बुरी बात है, बुरे आदमी को अगर हम ले ऑफ करेंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे. लेकिन इसको एक बेहतर तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब फिर आमतौर पर लोग टेंटेटिवली कहें कि एग्री नहीं कर सकते इसके ऊपर. सो कुछ लोग जो हैं जनरली हम लोगों के सोसाइटी के अंदर कह सकते हैं कि नहीं जी वो कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, तो उसमें फिर आपका जो है सोशल डिजायरेबल क्वेश्चन के अंदर ऐसा आंसर आने का चांसेस ज्यादा है कि जो सोशली ड्रिवन जो टिपिकल आंसर्स होते हैं वो लोग जवाब देने शुरू कर देते हैं, रियलिस्टिक जवाब नहीं आना चाहते. तो उसमें ये होता है कि क्योंकि सोशल एक एस्पेक्ट होता है वो आपको एक सर्टन फ्रेम ऑफ माइंड में जो है वो लेके जाता है, और उसकी वजह से आप आमतौर पर टिपिकल जवाब देना शुरू कर देते हैं जिससे आपकी ट्रू जो है वो फीलिंग्स नहीं आती है. तो उसमें यह है कि आपका वर्डिंग जो है थोड़ी सी इसको चेंज करनी पड़ती है. जैसे काम के देर इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू रिटेनिंग सीनियर सिटीजन्स इन द वर्कफोर्स, और फिर आप कहें टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक दैट द कंपनी शुड कंटिन्यू कीप एल्डरली पीपल ऑन द पेरोल. अब ये थोड़ा सा उसको डायल्यूट कर लिया है, और अगेन वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो आपका रिस्पॉन्डेंट जो है वो थोड़ा सा रियलिस्टिकली इस पे बात पे करे कि ठीक है इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, लेकिन क्या ख्याल है कि हम लोगों को जो एल्डरली लोग हैं उनको हम कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें कि जो सोशली डिजायरेबल है उसमें क्योंकि लोग आमतौर पे उसी तरह टिपिकल आंसर देते हैं, और उस टिपिकल आंसर देने से बचने के लिए उनकी ट्रू फीलिंग के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी कि हम ऐसे क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मुलेट करें कि वो रिस्पॉन्डेंट जो है वो उसको उसको ट्रू रिफ्लेक्ट कर सके, उसकी ट्रू फीलिंग्स रिफ्लेक्ट हो सके, रादर देन जो टिपिकल सोशल एक आंसर है वो आना चाहिए कि जी ठीक है कि भी एक सोसाइटी में सर्टेन नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से वही आंसर आए, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. तो हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जो बेसिकली हम देखते हैं कि इसमें सर्टेन स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं कि इन स्टेटमेंट्स जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है इन टर्म्स ऑफ जो हमने बायसेस की बात कही, रिकॉल डिपेंडेंट की बात की, या हमने एम्बिग्यूटी की बात की. तो ये मुख्तलिफ जो हम लोगों ने देखा कि जो क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम आ सकती हैं उसके ऊपर से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है. लेट्स लुक एट दिस वन कि हम कहते हैं कि इफ़ यू हैव बीन इन द कंपनी फॉर 15 ईयर्स प्लीज इंडिकेट द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और द नेम ऑफ योर कलीग. अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें बेसिकली ये बैड क्वेश्चन है इन द सेंस क्योंकि ये रिकॉल डिपेंडेंट है. ठीक है, दूसरी एग्जांपल है माय कलीग इज गुड एंड एफिशिएंट. अब कलीग जो है वो गुड भी है और एफिशिएंट भी है, तो फिर हो सकता है दोनों चीजें दुरुस्त हों, लेकिन इसका जवाब में ऐसा भी हो सकता है कि कलीग गुड हो लेकिन एफिशिएंट ना हो, या एफिशिएंट हो लेकिन गुड ना हो. तो इस सेंस में यह दोनों चीजें हो सकती हैं, तो आपके पास आंसर जो है वो देना मुश्किल हो जाएगा. तो उसके लिए ये कि क्या प्रॉब्लम है, इसमें डबल बैरल का इशू है, तो वी नीड टू मेक श्योर कि इनको दो सेपरेटली हम क्वेश्चंस में फॉर्मुलेट कर लें. वर्किंग वुमेन शुड नॉट हैव चिल्ड्रन, अगेन ये क्या है, ये एक लोडेड क्वेश्चन है. इसमें एक इमोशनल इशू जो है वुमेन का उसको हमने ट्रिगर किया है, और इसमें रिस्पॉन्डेंट जो है उसको वो इमोशनली जवाब दे सकता है जो कि रियलिटी से या रियलिस्टिकली उसने ही सोचेगा. तो इसमें गेन इसे अवॉइड करना चाहिए, जो लोडेड क्वेश्चंस हैं उनको हमने अवॉइड करना है. इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रंस फ्यूचर शुड बी एन इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये अगेन लोगों की बच्चों में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये एक सोशली डिजायरेबल, बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए, सब कहेंगे हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन अगर रियली अगर ट्रू किसी से लेना है तो उसको हमें रीफ्रेज करना पड़ेगा इस तरह से, ताकि हम उसके ट्रू जो है एस्पेक्ट के ऊपर हमें
जो है फीलिंग्स मिल सकें. एक जनरल हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जब इस तरह सवाल पूछेंगे कि वुमन को किस चिल्ड्रन वर्किंग वुमन के चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, ये अगेन आपने एक लोडेड क्वेश्चन है और इसका जवाब भी उसी तरह आएगा आपका जो जनरली एडवर्स या बहुत स्ट्रांग आएगा. इसमें अगर आप कोशिश करें कि इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करें या इस तरह का इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करें कि आपका रिस्पॉन्डेंट जो है वो सारे सिचुएशन को समझते हुए रियलिस्टिकली इसको जवाब दे, रादर देन व्हाट इज इमोशनल और व्हाट इज सोशली डिजायरेबल. जो इमोशनल में ना बह जाए ना ही वो जो है सोशल जो प्रेशर है उसमें मैं बह जाए. इसी तरह इसमें यानी जैसे इसमें है कि इसमें आपके पास मे बी वो एग्री करती हूँ, लेकिन यह कि यू नीड टू ब्रिंग इन टू फैक्ट के ओके कैरियर्स बहुत टाइम डिमांड करते हैं और वेमेन जो हैं वो बच्चों को टाइम शायद दे ही नहीं सकती. तो आइडियली वेमेन को जो है वो बच्चे उनके उनको नहीं होने चाहिए या उनको यह है कि जब टाइम ऑफ ले लेना चाहिए जब बच्चे हों, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. इस तरह के कुछ टर्मिनोलॉजी इस तरह के क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करके इस इशू पे आप फीडबैक ले सकते हैं. ओके इसी तरह यह है कि दिस जॉब यूजेस अ लॉट ऑफ स्किल आई हैव. ओके इस क्या है ये दिस इज ओकली फाइन स्टेटमेंट. इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है. द जॉब यूजेस अ लॉट ऑफ स्किल आई हैव, दैट्स गुड इनफ क्वेश्चन है. इसमें कोई वर्डिंग कोई इशू नहीं नजर आ रहा. फॉर दिस कंट्री टू कीप ऑन रिमेनिंग कंपेटिटिव शुड वी नॉट स्पेंड मोर ऑन रिसर्च. अगेन ये एक लीडिंग क्वेश्चन है. इसमें हम कह रहे हैं कि अगर हमारे मुल्क को तरक्की और कंपेटिटिव रहना है हुआ तो हमें रिसर्च में स्पेंड करना है. तो अगेन हमने ऑलरेडी उसको एक लीड कर रहे हैं कि यार हमारे मुल्क को अगर कंपेटिटिव बनना है तो फिर हमें रिसर्च करना है. कंपेटिटिव बनना है तो रिसर्च थ्रू ही थोड़ी और भी कोई चीज़ हो सकती है. तो अगेन इसमें हम कभी कभार उसको ये हम वर्ड ऐसे यूज़ कर लेते हैं जो कि लीड कर रहे होते हैं towards a typical answer जो कि आमतौर पर इसको yes ही देगा. तो आपके पास true feelings नहीं आएंगे. तो social में भी ऐसा ही है, loaded में यही है, क्योंकि लोग जो है फिर emotions को feel use कर रहे होते हैं और अपनी social desirable answers देना शुरू कर देते हैं. या फिर जैसे आपने उसको तोड़ोड़ मोड़ के आपने एक चीज़ को present किया, उसका जहन उस तरह बनाया बनाने की कोशिश जब करते हैं तो उसमें वो जब आप जहन किसी का बना देते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट के अंदर तो वो फिर जवाब भी वैसे ही देगा. ओके कुछ और चीज़ें जो हम बात कर करना चाहिए हमें ऑन द क्वेश्चन को डेवलप करने के कॉन्टेक्स्ट है, तो उसमें यह है कि हमारे पास कुछ जो उसकी जो क्वेश्चन की जो लेंथ है, जो हमारा जो क्वेश्चन होता है हर क्वेश्चन जो है वो आइडियली 20-25 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट को पढ़ के उसने फिर रिस्पॉन्डेंट ने जवाब देना होता है. तो आइडियली एक सिंगल लाइन में आ जाए तो बेहतर है और 20 वर्ड से ज़्यादा ना हो ताकि रिस्पॉन्डेंट जो है उसको ईजिली पढ़ भी ले, उसको कॉम्प्रिहेंड भी कर ले, उसको समझ भी ले और उसका फिर जवाब भी सामने दे दे. क्योंकि अगेन टाइम थोड़ा होता है, 20-30-40-50 सवाल हैं उसने फिल करने हैं. तो सवाल की वर्डिंग्स ऐसे बनाएं कि सा एक 20 वर्ड के अंदर अंदर आ जाए. इसी तरह फाइनलिंग की हम बात कर रहे थे. हमने कहा कि जनरल से स्पेसिफिक पे आप आ सकते हैं, जनरल क्वेश्चंस आप पूछें ताकि एक इशू के ऊपर जिसमें एक जनरली आप लर्निंग की जैसे हमने बात की या हमने एम्प्लॉय की इनरिचमेंट जॉब इनरिचमेंट की बात की है, तो हमारे पास जनरल क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि वो इस इशू को कैसा समझते हैं, ये क्या है, और फिर उसमें इसके स्पेसिफिक्स जो उसके हैं उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, उसके जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं. तो जनरली हम बेसिक क्वेश्चंस इजी जो है जस्ट टू गेट द माइंड ऑफ द रिस्पॉन्डेंट टू मूव इन अ डायरेक्शन उसको हम जनरल से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. यानी अगर जॉब आपकी इंटरेस्टिंग है, जॉब में क्या चीज़ इंटरेस्टिंग है, जॉब में इंटरेस्टिंग में क्या चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ जो है इंटरेस्टिंग नहीं है, जॉब में क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, कौन कौन सी चीज़ों को आप जो है चाहेंगे. तो यानी अब ये आपने जनरल से बात की, जॉब क्या करते हैं, उस जॉब में क्या चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं, क्या चीज़ें बुरी लगती हैं, जो इंटरेस्टिंग लगती हैं उनमें से कौन सी जो चीज़ है जिसको आप समझते हैं कि ज़रूरी होना चाहिए, इसी तरह कौन सी बुरी चीज़ें हैं और अगर वो जॉब में जो बुरी चीज़ें हैं कौन सी चीज़ों को ठीक होना चाहिए, आप क्या सजेशन देते हैं कि किस चीज़ का. तो सजेशन अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द जॉब का जो सवाल है वो लेटर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए. जॉब कैसी है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं,
और प्रॉब्लम्स को कैसे इम्प्रूव करना है, तो ये फनलिंग की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगेन आप पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चंस भी यूज़ किए जा सकते हैं, हमने कहा, जिससे अगेन हम हमारा रिस्पॉन्डेंट की जो है कंसंट्रेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम जो जनरली जो क्लासिफिकेशन डेटा होता है, जो हम जिसको हम जनरल डेमोग्राफिक डेटा कहते हैं, जिसमें हम पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं, जेंडर उसकी है या उसकी सैलरी है या उसका डिपार्टमेंट है या उसका नाम है अगर वो देना चाहे, या फिर हमने उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है या वट एवर जो उसकी बेसिक डेमोग्राफिक्स हैं, वो कुछ रिसर्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू में लेने चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं, क्योंकि पर्सनल बातें होती हैं। रिस्पॉन्डेंट जो है वो एक इशू के ऊपर तो रिस्पॉन्ड कर लेगा इजीली, क्योंकि लेकिन जैसे आप पर्सनल बात करेंगे तो वो शायद डिफेंसिव हो जाए, तो उसमें उसकी वो पर्सनल बातों को आप लास्ट में रख दें, ताकि अगर उसने उसको ब्लैंक भी छोड़ना है तो मेन जो चीज़ें हैं, क्योंकि मेन आपकी जो स्टडी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर नहीं भी आती तो वो किसी हद तक आपका काम चल जाता है, क्योंकि आपके मेन इशू जो है जिसके ऊपर आपकी थ्योरी होती है, हाइपोथेसिस होते हैं, वो पर्सनल के ऊपर काम ही होते हैं। लेकिन अगर है भी तो वो आप लेटेस्ट स्टेज पे जिन पर ईजिली आप कर सकता है, आपका रिस्पॉन्डेंट फील कर सकता है। मोस्ट स्पेसिफिक अगर आपने उससे पूछी है कि आप किसकी सैलरी ब्रैकेट में है, या आपको प्रमोशन लास्ट टाइम कब मिली थी, और आपकी प्रमोशन जो है वो कितने परसेंट रेज मिली थी, अब ये इन्फॉर्मेशन शायद उसकी बहुत जो है स्पेसिफिक है, उससे रिलेटेड है, वो शायद देना ना पसंद करे। तो ये ना हो कि शुरू में ही ऐसा सवाल अगर आप कर लें तो बाद में उसका जो उसका इम्पैक्ट बाकी के सवालों के ऊपर हो, वो शायद उनको फील ही ना करें। तो जनरली कुछ क्या कहते हैं कि शुरू में पूछ लें, कुछ कहते हैं बाद में। दोनों के दो डिफरेंट स्ट्रीम हैं, दो स्ट्रीम फिलोसफीज हैं, बट जनरली आई प्रेफर कि इसको लास्ट में आप एड्रेस करें पर्सनल डेटा को, और जो स्पेसिफिक आपकी जो कोर जो एरिया है जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस आप शुरू में करें। इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि आपने इंश्योर करना है, इसमें मैंने स्लाइड में नहीं डाली, लेकिन वो आप मेक श्योर करें कि आपकी जो क्वेश्चनर है उसका जो स्टार्ट है उसमें आपने उसकी जो एक्चुअल पर्पज़ है आपका रिसर्च का, वो सिंपलेस्ट वर्ड में जितना आसानी से हो सके उसको आप वहाँ पर डिफाइन करें। तो पहले आपने ज़रूर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर दिखें कि आपके क्या रिसर्च करने जा रहे हैं, किस लिए रिसर्च करने जा रहे हैं और किस टॉपिक पे करने जा रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये 3-4-5-6 लाइनें आप ज़रूर ऊपर लिखें, जिसमें रिस्पॉन्डेंट को अंदाज़ा हो जाए कि आपकी रिसर्च का फोकस क्या है, ठीक है, ताकि उसका फ्रेम ऑफ माइंड उस तरफ चला जाए और उसको सोच उस लाए, तो उस फ्रेम ऑफ माइंड में जब आएगा तो उसके आंसर्स भी उस तरह उस रिलेटेड आएंगे। तो ये है कि उसमें ज़रूर बताएं कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी स्टडी की, इसमें क्या, और अगर कोई ऐसी टिपिकल कोई स्टेटमेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप चाहते हैं कि जिसमें कोई कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर, या उसमें ऐसा हो सकता है कि वो इतनी क्लैरिटी नहीं है, तो उनको भी आप शुरू में इंट्रोडक्शन पोर्शन में उनको क्लियरली एक्सप्लेन कर दें कि ये इस चीज़ के लिए स्टैंड करती है, ये वर्ड इसके लिए स्टैंड करता है, ताकि रिस्पॉन्डेंट जो है वो जब क्वेश्चन पे पहुंचे उस स्पेसिफिक पे, तो उसको पता हो कि इसका क्या मतलब है। तो इस तरह शुरू में आप ज़रूर कुछ लाइंस इसके ऊपर ज़रूर लिख लें, फिर आप अपने जो एक्चुअल पर्पज़ है, जो एक्चुअल वेरिएबल्स हैं, उन पे क्वेश्चंस आप करें, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक करें, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वर्डेड को भी क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर इंक्लूड कर लें, और फिर उसमें एट दी एंड फिर आप कोशिश करें कि आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी ले लें। और समटाइम्स जो है वो रिस्पॉन्डेंट को आप ये भी चॉइस देते हैं कि अगर वो पर्सनल अपना इस रिसर्च के आउटपुट को लेना चाहे तो उससे वो ऑप्शन भी पूछने हैं कि अगर वो रिजल्ट्स को चाहता है तो उसमें अपना वो ईमेल अपना एड्रेस दे दे, जिसमें आप उसको रिस्पॉन्डेंट को उसका जो है किसी हद तक मॉरल राइट भी है कि वो आप जो रिजल्ट है, क्योंकि उसका स्टडी का हिस्सा था, स्टडी की फाइंडिंग्स जो हैं एटलीस्ट वो उसको पता चलें कि इसकी फाइंडिंग्स क्या आती। तो ये भी आप एट दी एंड उसको सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, लाइन लिख सकते हैं एक दो लाइनों में कि अगर वो चाहे तो वो अपना इसकी जो स्टडी की फाइंडिंग्स हैं वो उसको मिल सकती हैं, क्योंकि अगेन वो उसका पार्ट है, रहा है, रही है। तो इस सेंस में ये आपका एक अच्छा क्वेश्चनेयर उस सूरत में हो जाएगा कि रिस्पॉन्ड जो है वो एक अच्छे तरह से उसको अटेम्प्ट करेगा और आपका जो डेटा है वो बेहतर तौर पर कलेक्ट करेगा। ओके, सो हम रीकैप करते हैं। आज हमने बात की क्वेश्चनेयर्स के ऊपर, के क्वेश्चनेयर्स
जो है वो तब बनाए जाते हैं जब आपके पास क्लियर कट आपके पास वेरिएबल्स हों, और वेरिएबल्स हमने कहा कि मैं पता हूँ कि कौन सा वेरिएबल किस चीज़ के लिए है, डायमेंशन उसकी क्लियर पता हों या हमें फैक्टर्स का पता हो और उन वेरिएबल्स को हम जो है पहले से क्लियरली डिफाइन कर चुके हों। जब हमारे पास ऐसा कुछ स्टेट ऑफ रिसर्च का आ जाता है तो उसमें हम क्वेश्चनेयर डेवलप करते हैं और हमें पता होना चाहिए कि इसको मैयर करने के लिए आइडियल स्केल कौन से हैं। फिर उसमें हमने कहा था कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, मेल एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चनेयर्स होते हैं, और फिर हमने कहा कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी जो क्वेश्चनेयर हैं उनकी वर्डिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि ताकि आपके अकॉर्डिंग टू द कंटेंट या आपके उसके पर्पस के हवाले से हो। लैंग्वेज की वर्डिंग्स जो हैं वो को आपने एहतियात करनी है कि स्लैंग वर्ड्स को यूज़ ना करें, टेक्निकल जार्गन को अवॉइड करें, अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो उसको शुरू में जो मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है उसमें आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह आप फॉर्मेट्स में आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस फॉर्मेट कर सकते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और इसी तरह हमने कहा कि कुछ क्वेश्चंस को हम पॉजिटिवली वर्डेड भी बनाते हैं, कुछ लॉन्ग वर्ड को उसी को सवाल को हम दोबारा रिपीट करके नेगेटिवली वर्डेड भी बना देते हैं ताकि मोनोटोनी को तोड़ सकें रिस्पॉन्डेंट की। इसके अलावा हमने बात की कि जो बायसेस हैं, हमने क्वेश्चंस के अंदर जो स्टेटमेंट्स आती हैं उसमें अपने बायसेस नहीं डालने, जैसे हमने कोई लीडिंग जो है या लोडेड या एम्बिगस वर्ड्स को ऐसे अवॉइड करना है जिससे हमारा रिस्पॉन्डेंट जो है वो एक टिपिकल आंसर देना शुरू कर दे। तो हम अगर ट्रूथ की फीलिंग नहीं है तो हमने कोई लोडेड वर्ड्स को यूज़ नहीं करना, हमने कोई लीडिंग वर्ड्स को यूज़ नहीं करना, एम्बिगस वर्ड्स को अवॉइड करना है। इसी तरह डबल बैरल या सोशली डिजायरेबल वर्ड्स को हमने अवॉइड करना है ताकि हमारे पास एक टिपिकल रिस्पॉन्स ना आए, ट्रू उसकी फीलिंग आए, क्योंकि ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी तरह हमने कहा था लेंथ ऑफ क्वेश्चन की बात हमने की थी कि 20 वर्ड्स से ज़्यादा ना हो, और फाइनली हमने फनलिंग की बात की, और जनरली हमने कहा था कि क्वेश्चन जनरल टू स्पेसिफिक में मूव करें और एक अच्छा इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखें और जनरल में, और फिर आपके जो पर्सनल डेटा है वो एट दी एंड आप पूछें। विद दिस आज का हम सेशन कंक्लूड करते हैं। कल नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सैम्पलिंग और उसकी डिटेल्स हैं। दिस अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।